प्रजापति दक्ष की दोनों पुत्रियां दिति और अदिति का विवाह ऋषि कश्यप के साथ होने जा रहा है। नारायण नारायण। चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, सहस्त्र पुत्रवती भव। मैं आपसे केवल एक ही आशीर्वाद चाहती हूँ देवी शक्ति की, कि मेरी बहन मेरे गर्भ से जन्मी हुई ऋषि कश्यप की सबसे ज्येष्ठ संतान उसके लालन पालन में मेरी सहायता करे। आज मेरे शब्द देवी को भी परास्त कर देंगे, क्योंकि केवल एक ही स्त्री ऋषि कश्यप से जन्मी पहली संतति को जन्म दे सकती है, और देवी की आशीर्वाद के कारण वो सौभाग्य मेरा होगा। मेरी संतान ज्येष्ठ होगी, मैं होंगी ज्येष्ठा, ना अदिति ना कोई और। तुम्हारे मांगे हुए वरदान का एक एक शब्द सत्य होगा दीदी। धन्यवाद देवी, आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए क्या किया है। परंतु अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। इस विवाह से पूर्व तुमने अदिति का अधिकार छीना, उसके वस्त्रों पर, उसके आभूषणों पर अपना अधिकार किया। जो अदिति का था वो तुमने लिया सदैव। तो न्याय ये है कि जो तुम्हें मिलेगा वो अदिति को भी मिलेगा। तथास्तु। हे देवी, आज मुझे ज्ञात हुआ कि आपके आशीर्वाद के प्रभाव से मेरी मातृत्व सुख की यात्रा प्रारंभ हुई। देवी, मैं कामना करती हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरी संतान पे भी सदा बना रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम देवी। देवी, आपने मुझे और अदिति को दोनों को सम्मिलित वर दिया था कि आपके आशीष से हम दोनों बहनें मातृत्व का सुख पाएंगी। मेरी बहन अदिति तो गर्भ से है, फिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपका वरदान मेरे गर्भ में फलित ना हुआ। मेरे आशीर्वाद का फल तुम दोनों की मनस्थिति पर निर्भर करता था। अदिति ने गर्भ धारण इसलिए किया क्योंकि वो मातृत्व सुख को शुभ भाव से धारण करने के योग्य बन चुकी थी, और यदि तुम इस भाव को पालोगी तो तुम्हारा वरदान भी फलेगा। माता बनना हर स्त्री का अधिकार होता है। यदि तुम मातृत्व के लिए सब कुछ त्याग कर सकती हो तो मैं तुम्हारी सहायता और तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करूंगा। ये खीर मेरी ऊर्जाओं से फलित है, मेरे तपोबल की अथाह शक्ति है इसमें। इसे ग्रहण करने के पश्चात तुम्हारी कोख में हमारे संतान का सृजन आरंभ होगा। मुझे जिसकी इच्छा थी वो प्रसाद मुझे मिल ही गया है। अब ना तो मैं सप्ताह के बीतने की प्रतीक्षा करूंगी और ना ही ब्रह्म मुहूर्त बीतने की। समय आ गया है कि संसार दिति और अदिति के संतानों का स्वागत करे। हे देवी, ये आप ही की कृपा का प्रसाद है, किंतु आपको कुछ अर्पण करने के स्थान पर मैं आप ही से कुछ मांगने जा रही हूँ, क्योंकि ये आपके आशीर्वाद से जन्मा है, इसका नामकरण भी आप ही कीजिए।
ये तुम्हारा अंश है अदिति, इसीलिए ये कहलाएंगे आदित्य। देवता कहकर संसार सम्मान से इनके आगे झुकेगा, और ये बालक जो दिव्य तेज और प्रकाश का प्रतिरूप है, ये कहलाएगा सूर्य। ये बलशाली इंद्र कहलाएंगे जो वर्षा के देव होंगे। ये कहलाएंगे वरुण जिनका जल पर अधिकार होगा। मेरा और अदिति का रक्त एक ही है, हम दोनों के पति भी एक हैं। आपका दिया गया आशीष भी समान ही है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अदिति की सभी संतानों की भांति मेरी संतानें भी दिव्य और तेजस्वी होंगी। संतान मेरी नहीं हो सकती, नहीं चाहिए मुझे ये संतान। दीति के संतान होने के नाते इन बालकों को संसार दैत्य कहकर पुकारेगा। अदिति के सुर और दीति के असुर, आज यदि तुम्हारे पुत्रों में दैव्य नहीं है तो उसका कारण मेरा आशीष का अभाव नहीं बल्कि तुम्हारा दुर्भाव है। तुम में ना दैव्यता है और ना ही सद्भावना, और इसी व्यक्तित्व की छाया बनकर तुम्हारे ये पुत्र जन्मे हैं। मुझे आशा थी कि तुम अपनी भूल को स्वीकार कर उसे समझकर अपने कर्म मार्ग को बदलोगी, परंतु देखो अपने आप को दीदी, तुम्हारे अंदर कितना द्वेष, कितना क्रोध भरा है। और इसीलिए मैंने ब्रह्मदेव को दो लोगों का निर्माण करने के लिए कहा, ताकि तुम बहनों की संतानें एक साथ परंतु भिन्न भिन्न लोकों में रह सके। अनंत रूपी जगत व्यापी पराशक्तिमान, जो स्वा की दिव्यता से परिपूर्ण होगा उसे स्वर्ग लोक कहा जाएगा। जो भूलोक के तले होगा उसे पाताल लोक कहा जाएगा। आज से अनंत तक स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य रहेगा, और पाताल पर असुरों का। मुझे ये निर्णय स्वीकार नहीं है। मुझे आशीर्वाद देने के बाद भी आपने मेरी बहन से पहले मेरे मां बनने का अधिकार मुझसे छीना। मुझे इतनी कुरूप संतान देकर मेरे मातृत्व का उपहास किया। इतना ही नहीं, अब आप मेरे परिवार को एक ऐसे लोग भेज रही हैं जिसका स्थान सदैव सदैव लोगों की पदुकाओं के नीचे रहेगा। अब बस आपने मेरी भक्ति का मान नहीं रखा, अब मैं आपकी शक्ति का मान नहीं रखूंगी। मैं दैत्य माता दित्ति इस भरी सभा के सामने आपको चुनौती देती हूं। जब तक मेरे पुत्र स्वर्ग पर अपना अधिपत्य स्थापित कर मेरा खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक मैं संतोष नहीं साधूंगी। और ये मेरी चुनौती भी है और मेरा प्राण भी है।